Jesus name we always hear. यीशु मसीह का नाम हमेशा हम सुनते हैं. Everywhere. हर जगह. But to know Jesus. लेकिन यीशु को जानने के लिए. We need to know about the Holy Spirit. We need that. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है. So without Holy Spirit. बिना पवित्र आत्मा के. We will never know who God is. हम नहीं जान पाएंगे कभी भी कि परमेश्वर आखिर कौन है. And without Holy Spirit. और बिना पवित्र आत्मा के. We will never convict them that we are a sinner. और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना, पवित्र आत्मा के होने के बिना कभी नहीं जान पाएंगे कि हम पापी हैं. So it is don't think that our God has a three God. ये ना सोचे कि हम हमारे तीन परमेश्वर. That's why Hindu God so many God. ये देते हैं हिंदुओं के 33 करोड़ हैं हमारे तीन हैं. But नहीं in our life. पर हमारे जीवन the में. The Father. पिता. The Son. पुत्र. Jesus. यीशु मसीह. The Father is the creator of the universe. पिता परमेश्वर. And then Jesus Christ. और यीशु मसीह. And the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा. They are one. वो एक ही है. That is why in this Genesis book. तो इस Genesis मतलब उत्पत्ति किताब के अंदर. So who is the Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा के है कौन? Holy Spirit is a God. पवित्र आत्मा खुद प्रभु है. So from the sin, from the beginning. मतलब कि दुनिया की सृष्टि की रचना से पहले the earth was no form. यहाँ पे लिखा है जो धरती थी वो बेडोल थी. The earth was formless. कोई उसमें छेपी नहीं थी. Everywhere the water was there. हर जगह से पानी ही पानी था. No sun, no star, no morning, no evening. कोई चंद्रमा नहीं, सिर्फ यहाँ लिखा अंधियारा था. Formless. कोई बिल्कुल बेडोल थी. Water was over everywhere. हर जगह सिर्फ पानी ही पानी था. But now you thinking the no water now. लेकिन अगर आप सोचते पानी नहीं है. But when you go to समुद्र. लेकिन अगर समुद्र में जाएं. You stand in the समुद्र. आप समुद्र के अंदर खड़े हो जाएं. You see we never think that there is a heart. आप समुद्र में अगर खड़े हो जाएं तो अंत नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा धरती होती ही नहीं. We never see the heart, the समुद्र we call like this. समुद्र के एक कोने में खड़े होकर आपको दूसरी छोर पर कभी पृथ्वी नजर ही नहीं आएगी. So in the beginning like that. इसका मतलब शुरुआत में भी ऐसा ही था. No sun, no star. कोई सूरज नहीं, कोई चंद्रमा नहीं. Darkness was there. सिर्फ अंधियारा था. But the Bible says. लेकिन बाइबल क्या कहती है? The Spirit of God. लेकिन बाइबल बताते हैं परमेश्वर का आत्मा. That is talking about the Holy Spirit. परमेश्वर का आत्मा क्या? पवित्र आत्मा. He was covering the water. वो पानी के ऊपर मंडरा रहा था. Just like the bird covering the anda. जैसे आप देखें कि एक पक्षी एक अंडे के ऊपर बैठ जाता है, पूरा छुपा देता है. Just like chicken covering the anda. जैसे कि चिकन अंडे को कवर कर देता है. So in the beginning that God was not making land. तो उस समय जब शुरुआत में परमेश्वर ने पृथ्वी को कोई शेप नहीं दिया. So the spirit was covering. तो परमेश्वर की आत्मा ने कवर कर रखा था. The formless. जो बिल्कुल बेडोल पृथ्वी थी. And the water were everywhere. और हर जगह सिर्फ पानी ही था. The Holy Spirit. तब उस समय पवित्र आत्मा was there. वहाँ पर थी. God was made the Holy of God was the because they are one God and He Himself are God. मतलब कि परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा ये एक ही है, मतलब परमेश्वर ही मंडरा रहा था. So you were covering the universe. मतलब ब्रह्मांड को कवर कर रहे थे. Then now by the power of the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ God told them. परमेश्वर ने क्या कहा? In the beginning. कि शुरुआत में. God created. परमेश्वर ने सृष्टि कर the heavens and the earth. स्वर्ग और धरती. So now when God declared. तो जब परमेश्वर ने कह दिया. The Holy Spirit the covering the formless. कि पवित्र आत्मा जब बेडोल पत्थर पर पृथ्वी पर घूम रही थी अंधेरे पर. They do the action. उसने कुछ काम किया. Holy Spirit work is there. पवित्र आत्मा का काम आखिर है क्या? You might not see like a Jesus. आप पवित्र आत्मा को यीशु की तरह किसी शेप पे किसी शरीर में तो नहीं देख. But the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा. Many a time people think the Holy Spirit is like an angel. कई लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा एक स्वर्गदूत की तरह होगी. Or Holy Spirit is like a ghost. या एक भूत की तरह भी हो सकती है. No. नहीं ऐसा नहीं. Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक इंसान की तरह. God is a person. परमेश्वर एक इंसान की तरह. Jesus is a person. यीशु मसीह भी. They are not ghosts. मतलब एक इंसानी. They are not having wings and flying. ये हवा की तरह उड़ते नहीं, व्यक्तित्व है तीन. They are just like you and me. वो आपकी तरह मेरी तरह एक अलग व्यक्तित्व है. But they are spirit. लेकिन ये तीनों ही आत्माएं. They are working in us. वो हमारे अंदर काम करती हैं. That's why they talk to us. और इसलिए पवित्र आत्मा हमसे बात भी करती है. So the Holy Spirit is not a ghost, not a angel. पवित्र आत्मा ना ही स्वर्गदूत है, ना ही भूत है. Holy Spirit is a God. वो एक वो परमेश्वर. So now when God the Father said let there be light. जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए. Then by the power of the Holy Spirit. तो परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के साथ the light come out. तो उजियाला हो गया. And let there be earth. और जब परमेश्वर ने कि धरती पर by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर के साथ
the ark come out. तो धरती एक शेप में आ गई. And let the water divide it. उन्होंने बोला कि पानी अलग अलग हो जाए. When you read the whole book, अगर आप उत्पत्ति सारा पढ़ते हैं, God divided the water. आप देखते हैं परमेश्वर ने पानी को अलग अलग विभाजन किए. Ocean, समुद्र में बनाया, नदी बनाया, नाले बनाए, everything. हर एक चीज. Then he made a land. तब उन्होंने धरती को अलग किया, सूखी भूमि बनाई. So all when God declared. तो जब परमेश्वर ने ऐसा कहा, the power of the Holy Spirit. तो परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से he worked. कार्य हुआ. That is how the Holy Spirit is. पवित्र आत्मा ऐसे ही काम. That is how he is working. वो ऐसे ही काम करती. Then when so the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा is a God. वो परमेश्वर. He is all powerful. उस पर हर तरह का सामर्थ्य है. And he is the awesome creation of God. वो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है. He is the powerful. उसमें सामर्थ्य. His presence is mystery. उनकी उपस्थिति जो है ना वो एक रहस्य की तरह है. His presence you can't see but he is. पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहस्य है क्योंकि आप देख नहीं सकते फिर भी वो है. But he is a person. पर वो व्यक्ति तो भी है. That's why he talk to us. और इसलिए वो हमसे बात भी करती है. And then the Holy Spirit is the when the earth was formless, the empty darkness covering the surface of the earth, the by the power of the Holy Spirit, everything God was created. तो यहाँ पे लिखा है कि जब दुनिया में पूरी पृथ्वी बेडौल थी, अंधियारा था, पानी था, उस समय परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर सब कुछ बना. Without the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा, without the power of the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के, it cannot come out light. कुछ भी ज्यादा भी नहीं हो सकता. But God said, let there be light. लेकिन परमेश्वर का उजाला हो जाए. So by the power of the Holy Spirit, मतलब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, the light came. उजाला हुआ. That is how the Holy Spirit works. मतलब पवित्र आत्मा ऐसे ही काम करती है. And then also now, the Holy Spirit is there. तो पवित्र आत्मा क्या है? He is the Holy God. पवित्र आत्मा पवित्र परमेश्वर है. And he is the God himself. वो खुद परमेश्वर है. But see, they are one, three in one. देखा जाए तो ये तीन एक में ही है. But their personality are different. लेकिन व्यक्तित्व अलग अलग है. They are one. है तो एक. But their work are different. पर व्यक्तित्व अलग अलग और काम भी अलग है. God the Father, पिता परमेश्वर यहोवा, God the Jesus Christ, और यीशु मसीह परमेश्वर, God the Holy Spirit, पवित्र आत्मा परमेश्वर, they are one. ये तीनों ही एक हैं. Just for example, to understand. उदाहरण देने के पास्टर समझाना चाहती हैं. Just example, my example, okay? पास्टर एक उदाहरण दे दो. To understand, they are one body. वो एक शरीर है. But in our body, पर हमारे शरीर में, we have one body. शरीर तो एक है. Our eyes work different. आँखों का अलग है. Our mouth different. मुंह का अलग है. Our head work is different. सर का काम अलग है. Our neck work is different. गले का काम अलग है. Our hand work is different. हाथ का काम अलग है. Our leg work is different. पैर का काम अलग है. But we are one. पर है तो एक शरीर. So the Father and Son, the Holy Spirit also. मतलब परमेश्वर पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं. They are one. है तो तीनों एक ही. But working in different way. पर अलग तरीके से काम कर रहे हैं. So your head cannot work by a hand. आप देखो सारे हाथ का काम नहीं कर सकता. आपका हैंड हैंग हो गया तो क्या करेगा? इधर गया मंकी, जाएगा नहीं जाएगा ना? So your hand and your leg cannot work. But then we are one body. आप देखिए हाथ और पैर का काम एक जैसा नहीं. इस शरीर तो एक ही है. But inside, पर अंदर there is a power. एक सामर्थ्य है. Functioning. अलग अलग तरीके से काम हो रहा है. How your hand work? आपका हाथ कैसे काम करता है? There is inside the power. Come on. आप ये देखिए हमारे दिमाग में कमांड आती है कि ये करो तो हम कर देते हैं. The inside our life. हमारे जीवन में भी there is a power. सामर्थ्य है. That is a God. ये परमेश्वर. God say. परमेश्वर ने कहा. Walk. करो. Do this one. Raise your hand. कितना हाथ उठाओ. See your hand cannot go like that. आप देखो आपका हाथ अपने आप नहीं उठता. There is inside command. अंदर से कमांड आती है दिमाग से कि हाथ उठाना है वो उठा देता. That is walk. That your leg is there. पैर भी ऐसे ही काम करता है. But if your leg, I want to go bazaar. आपका leg में बाजार जाने नहीं जाता. There is inside command. तो अंदर से दिमाग में सिग्नल निकलते हैं, कमांड होती है तो चलता है. That command that a leg walk. तो वो कमांड जब दिमाग से जाती है पैर में तो पैर उठता है और पैर चलना शुरू करता है. So we are one body. तो इसका मतलब शरीर. But this work is different. पर हाथ का काम अलग. This leg is different. पैर का काम अलग. This head is different. सर का काम अलग. Same thing. इसी तरीके से. God is one. परमेश्वर एक है. But the Almighty work is different. लेकिन आप देखिए यहोवा परमेश्वर का काम अलग. The Jesus Christ work is different. यीशु मसीह का काम अलग. Holy Spirit work is different. They are not the Holy Spirit different, Jesus different, God different. We have a three God. No. ऐसा नहीं है पिता का काम अलग, पुत्र का अलग, ये पवित्र आत्मा का अलग. तीन परमेश्वर हैं. But they are one. परमेश्वर तो एक है लेकिन तीनों different. पर काम तीनों
ऊपर। But when how he come down? लेकिन कैसे नीचे आए? By the power of the Holy Spirit. यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। When we see the Bible, you know Holy Spirit throughout the Bible. अगर आप देखें पूरी ही बाइबल में talk about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की बात हुई है। How Jesus was conceived? कैसे यीशु मसीह जब मत्ती का एक का 18 पढ़ेंगे? How Jesus come? यीशु मसीह कैसे आए? By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से। God the angel visited her Mary. जब जिब्राइल जो स्वर्गदूत मरियम के पास आया, the Mary and the angel come. तो स्वर्गदूत आया, you will have a son. उसने बोला तुम्हारे बेटा होगा। The Mary said how? मरियम ने कहा कैसे होगा? Because of that 1:18 मत्ती का 18. That what the angel said. तो स्वर्गदूत ने क्या बोला? क्या बताया था वहाँ angel ने? मालूम है? He was there to the Mary. उसने मरियम से कहा, You will have a son. कि तुम्हें बेटा उत्पन्न होगा। उसका यीशु होगा। Then Mary said, How can I get a husband? मरियम ने कहा, अरे मैं तो किसी पुत्र को, किसी इंसान को जानती ही नहीं, तो कैसे होगा ये? Then the angel said. तो उस स्वर्गदूत ने कहा, By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पर उतरेगा। Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा तुम पर आएगी। And you will have a child. तुम्हें बेटा होगा। See, that is how it works. ऐसे काम होता है। Without the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के, Jesus cannot conceive. यीशु मसीह कैसे आते? So by the power of the Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, Jesus become God, the Jesus by the Son become a human being. इसका मतलब होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर एक इंसान बनके नीचे आए। So when Jesus come, जब यीशु मसीह आए, as a human being, एक इंसान बनके, He cannot see everywhere. वो हर जगह तो नहीं देख सकते। 100% is a human being. क्योंकि वो 100% इंसान बनकर आए। Become limited. तो उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। You cannot see everywhere. आप भी इंसान हैं, हर जगह हर समय नहीं जा सकते। You are limited. हम भी सीमित हैं। But the Holy Spirit, एक पवित्र आत्मा, is the God. वो परमेश्वर। He is not limited. उसकी कोई सीमाएं नहीं। He is everywhere. वो हर जगह हर समय हो सकती है। So there is why the see the walk is different. काम तो अलग है। But they are same God. पर एक ही परमेश्वर। Holy Spirit is a powerful. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। So through the power of the Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से Jesus come. यीशु आए। Through the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से everything was created. हर एक चीज बनाई गई। By the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से we will never be here. हम उसके बिना कभी यहाँ नहीं होते। Amen. Amen. You understand? क्या आपको समझ में आ रहा है? I really want to know you the Holy Spirit. भी पास्टर क्या चाहती है कि हम लोग परमेश्वर को सुनते हैं, यीशु सुनते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की जानकारी में हम सब में होनी चाहिए। So today many Christians. आज बहुत सारे मसीह लोग तो हैं। They talk about the Holy Jesus. कहते हैं हाँ यीशु है, यीशु का नाम, यीशु का नाम। But today many Christians. लेकिन आज बहुत सारे मसीह लोग हैं। The Gospel. जो पेंटेकोस्ट के नाम पे थे। They are wrong doctrine. वो गलत व्यवस्था को फॉलो। They believe the Holy Spirit only. वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही नहीं विश्वास करते। All some Christians. और कुछ मसीह लोग। They believe only God the Father. वो सिर्फ पिता परमेश्वर में ही विश्वास करते हैं। So that is the thing. You cannot reject anybody. आप ऐसे नहीं कहते कि मतलब मुझे मुंह ही चाहिए, मुझे हाथ नहीं चाहिए, ऐसे नहीं कह सकते। When you say my hand cannot, I don't want this. कहते नहीं मुझे हाथ नहीं चाहिए, मेरे मुंह से मेरी जिंदगी चल जाए। Then what you do? कैसे काम करो? You cannot. आप नहीं कर सकते। You say that I cannot, I don't want leg. आप कहते मुझे पैर नहीं चाहिए, मेरे हाथ ही हो। Then you cannot reach to church. तो कहाँ चल चल के कैसे चर्च पहुंचोगे? So everything is important. जगह मतलब शरीर में हर एक भाग important है। So the God, Father, the Son, they are one. ऐसे ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों की सेवा करते हैं। different. तीनों के काम अलग अलग। परमेश्वर ने बोला उनकी उजियाला हो जाए, सूरज बन जाए, चंद्रमा बन जाए, चलो इंसान बनाते हैं। So when God come on, जब परमेश्वर बोलते गए, the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें बनाता गया। And the Holy Spirit is the giving power. और पवित्र आत्मा ही सामर्थ्य देती है। By the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, and God is the command. मतलब परमेश्वर ऑर्डर दे रहा है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। Jesus Christ, और यीशु मसीह, is come and to save us. वो आए दुनिया में हमें बचाने, but to fulfill all the work. लेकिन सारा काम करने के लिए, by the power of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही हुआ. So Holy Spirit is the one who work inside with power. पवित्र आत्मा हमारे अंदर, सबके अंदर पवित्र सामर्थ्य से काम करती है. So that is the Holy Spirit. वो ही पवित्र आत्मा. So Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा परमेश्वर है. He himself. And he is a person. वो एक व्यक्तित्व है। He is
not a boss. वो he is not an angel. वो सरदूत भी नहीं है. He is a God. वो परमेश्वर. He is a person. वो व्यक्ति. Jesus is a person. यीशु मसीह व्यक्ति. God is a person. परमेश्वर एक व्यक्ति की तरह. So they are one. वो एक. So you should know that one. तो आपको इसलिए पता होनी चाहिए. But लेकिन when we pray. लेकिन जब प्रार्थना करते हैं. You cannot say oh by the Holy Spirit name, Amen. आप लेकिन प्रार्थना के अंत में ये नहीं बोलते कि पवित्र आत्मा के नाम से मांगती हूँ आमीन. God the Father keep the name of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह का नाम परमेश्वर पिता ने इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि उनके नाम से प्रार्थना का उत्तर है. God say, ask in the name of Jesus. परमेश्वर हमेशा कहते हैं यीशु के नाम से जो मांगोगे. That's why he say into the Philippians of the 2 verse 10. फिलिपियों 2 के 9 से 11 तक I give the name of Jesus. यीशु परमेश्वर ने कहा मैंने यीशु के नाम को दिया है. In that name. और उस नाम पे every tongue shall bow down. हर एक घुटना टिकेगा. Not in the name of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के नाम में नहीं लिखा है. Every knee shall bow down. हर एक घुटना टिकेगा. Every tongue shall bow down. हर जबान अंगीकार करेगा कि वो प्रभु है. And if in that name. और उस नाम पे I will answer. प्रभु कहता है जवाब दूंगा. Not the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के नाम पे. But when we call upon the name of Jesus. लेकिन जब हम यीशु के नाम को पुकारते हैं. Then the Holy Spirit will give the power. तो पवित्र आत्मा क्या करती है सामर्थ्य डालती है. That is how the law. काम ऐसा होगा. So you say in the name of Jesus. आप जब बोलते हैं कि यीशु के नाम से हो जाए. I want healing. वो चंगाई चाहिए. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. I want good health. मुझे सेहत चाहिए. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. I want wisdom. मुझे बुद्धि चाहिए. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Everyone look this side. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. I want to have a good life. मुझे अच्छा जीवन चाहिए. So in that name. यीशु के नाम में. When you use the name, जब यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हैं, the Holy Spirit function. तो पवित्र आत्मा काम करना शुरू करती है. So that is His work. तो यही उनका काम है. Amen. Amen. God is good all the time. Somebody in 12 o'clock. Wake up. So what's up? So now, that is the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा काम ऐसा ही. Holy Spirit is the power. पवित्र आत्मा में सामर्थ्य. He do with the action. वो काम करती है. You cannot see. आप देख नहीं सकते. But he is the power. उसमें ताकत है. So that is how they work. तो पवित्र आत्मा ऐसे ही काम करती है. And then also the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा is a very wise. बहुत ज़्यादा बुद्धि से भरी है. Holy Spirit is the one who carry wisdom. पवित्र आत्मा वो है जो बुद्धि लेकर चलती है. Holy Spirit is the one who carry intellectual. पवित्र आत्मा ही बुद्धि समझ देती है. So without the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के, you will never have the wisdom. आप कभी बुद्धि नहीं पा पाएंगे. That is why Holy Spirit work is there. तो पवित्र आत्मा काम क्या है? But when you are not believing in Jesus Christ, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह विश्वास नहीं किया है, Holy Spirit cannot function. तो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम नहीं कर पाएगी. So now when you accepted Jesus Christ, जब आपने यीशु मसीह को अपना लिया, then Holy Spirit will come upon you. तो पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी. He will come and dwell in you. आपके अंदर रहेगी. And you will function. और काम करेगी. He will give you wisdom. वो आपको बुद्धि डालेगी. He will give you intellectual. वो आपको समझ डालेगी. Because he is the wisdom. क्योंकि वो खुद बुद्धि है. He is the intellectual. वो खुद समझ है. That is why today. तभी आज. They know Jesus. बहुत सारे लोग यीशु को जानते तो हैं. But they don't. They didn't have Jesus. लेकिन फिर भी यीशु के अंदर नहीं है. They know Jesus. वो जानते हैं यीशु तो है. But they didn't have Jesus. पर फिर भी उनके अंदर यीशु नहीं. You know me. आप पास्टर को जानते हैं. पास्टर को when you come to church, लेकिन जब चर्च रेगुलर आते हैं आप पास्टर को समझ जाते हैं. You're happy now. I am in your midst. तो अब आप पास्टर आपके बीच में. But many people they know my name. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पास्टर कमाई नाम की एक लेडी है. तो चाहे थे people in my village. पास्टर के गांव में भी. They know my name. वो जानते हैं पास्टर निकॉन कमाई है. But I am not with them. लेकिन पास्टर उनके साथ नहीं है. So now they are not with me. इसलिए वो लोग भी पास्टर के साथ नहीं है. So now I am with you. लेकिन पास्टर आपके साथ है. So now Holy Spirit. ऐसे ही पवित्र आत्मा. When you are not happy in Jesus. जब आपके अंदर यीशु नहीं है. You know Jesus. आप यीशु का नाम तो जानते हो. हाँ क्रिश्चियन मालूम है. हाँ मैं यीशु मसीह को मालूम है. लेकिन if you didn't have him. लेकिन अगर आपके अंदर यीशु नहीं. Then Holy Spirit just now. तो पवित्र आत्मा भी आपके अंदर है. So now Holy Spirit is the one who carry the power. तो पवित्र आत्मा वो है जो सामर्थ्य लेती है. When we use the name of Jesus. जब हम यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हैं. And Holy Spirit is the one who give us the wisdom. तो पवित्र आत्मा वो है जो समझ देती है. So when you need to have Holy Spirit, how? तो आपको पवित्र आत्मा होनी कैसे जरूरी है? कैसे होती है? In the name of Jesus. यीशु के नाम से होती है. Without the name of Jesus. बिना यीशु मसीह के नाम के. You will never have Jesus. आपके अंदर कभी पवित्र आत्मा आएगी. So the day that you believe Jesus Christ. तो जिस दिन आपने यीशु मसीह
विश्वास कर लिया the Holy Spirit will come तो पवित्र आत्मा के ऊपर then we celebrate to John खोलते यमुना का सुसमाचार John Gospel of John all this new testament not only all this नया नियम यमुना का सुसमाचार मत्ती मरकुस लूका यमुना Jesus Christ told the Gospel of John यमुना का सुसमाचार chapter 14 14वां अध्याय पेज नंबर 153 जीसस टॉक अबाउट 153 पेज नंबर नया अबाउट द होली स्पिरिट यहां पर यीशु मसीह ने परमेश्वर पवित्र आत्मा की बात करी है जीसस टॉक आई विल गो एंड प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए जाके जगह तैयार कर रहा हूं आई विल सेंड द होली स्पिरिट मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा एंड यू रीड दैट वन हम पढ़ते हैं हां most sincerely I say to you yes which verse was I want you to read that chapter 1 14 का 1 14:1 परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग 14:1 153 तुम्हारा मन व्याकुल ना हो परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं यदि ना होते मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा और जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो थोमा ने उससे कहा हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है तो मार्ग कैसे जाने यीशु ने उससे कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता 7 यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है 8 एंड देन नाउ वर्स 16 16 पढ़ते हैं वचन 16 ओके 15 यू रीड 15 से पढ़ते पवित्र आत्मा ने प्रतिज्ञा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे नहीं देखता और ना उसे जानता है तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा आमेन So now Jesus was 18. I will not leave you. I will not offend you. I will come to you. 18 में लिखा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोडूंगा. मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे नहीं देखेगा. परंतु तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जगत जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे. Amen. So now the Jesus Christ was introduced the Holy Spirit. तो यीशु मसीह ने यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में बात की. Jesus said, I will go and prepare a place for you. यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारी जगह तैयार करने. Then disciples were worried. तो चेले परेशान हो गए. Oh, Jesus is gone. Then what we will do? अरे यीशु तो गुरु है यीशु तो जा रहा है अब हम क्या करेंगे? We will be orphan. अरे हम तो अनाथ हो जाएंगे. We will become powerless. हमारे पास सामर्थ्य खत्म हो जाएगा. And now we will become helpless. और हमारी कोई मदद करने वाला नहीं होगा. We will become loneliness. हम तो अकेले हो जाएंगे. Then the Lord Jesus said. तब यीशु ने कहा. If I go. अगर मैं जा रहा हूँ. If you obey my commandment. तुम मेरी आज्ञा पर चलते रहे. Then Jesus said, I will pray to the Father. तो गुरु ने बोला मैं पिता से प्रार्थना करूँगा. God Jesus said, when Jesus was alive. जब यीशु जिंदा थे. He is going to die for us. और हमारे क्रूस पे मरने वाले थे जीसस से आई एम गोइंग टू गो अगेन ऑन दिस अर्थ एंड आई एम गोइंग टू गो टू द फादर तो यीशु ने कहा कि मैं धरती से जा रहा हूं लेकिन मेरे पिता के पास जा रहा हूं आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ रूम फॉर यू और वहां जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं दैट्स द फर्स्ट वन से नो तो पहले वचन में लिखा है सो प्रिपेयरिंग अ प्लेस तो परमेश्वर जगह तैयार कर रहा है सी नाउ तो अब आई एम वेरी हैप्पी पास्टर कह रहे हैं बहुत खुश हूं जीसस इज प्रिपेयरिंग अ रूम फॉर मी कि यीशु मसीह पास्टर के जगह तैयार कर बिजी नाउ कि अब बहुत व्यस्त है परमेश्वर जीसस सेड आई विल गो इन यीशु मसीह कह रहा है मैं जा रहा हूं आई एम गोइंग टू माय फादर मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं आई एम प्रिपेयरिंग अ रूम फॉर यू मैं तुम्हारी जगह तैयार कर रहा हूं सो नाउ गॉड इज प्रिपेयरिंग अ रूम फॉर मी तो मतलब परमेश्वर हमारी जगह तैयार कर रहे हैं आई वांट टू सी फर्स्ट फर्स्ट पास्टर कह रहे हैं मैं यीशु को बहुत जल्दी देखना भी चाहता हूं हाउ मेनी पीपल वांट टू सी योर रूम कितने लोग अपने कमरों को देखना चाहते हैं The first one said, I will go and prepare a room for you. पर यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हारी जगह तैयार कर रहा हूं. So God wants us to prepare a room. तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तुम्हारी जगह तैयार करने. So God has gone 2000 years back now. तो परमेश्वर 2000 साल पहले चले गए. The room may be so beautiful. हो सकता है कमरा बहुत ज्यादा सुंदर हो. That room may be made by gold and diamond. सोने चांदी से बना हुआ हो. है ना? कितना तक प्रभु बना रहा है अभी तक? नहीं बन रहा है, बन रहा है. तो प्रभु बताएगा मैं आपके लिए जगह बना रहा हूँ रूम बना रहा हूँ वापस आएंगे वो कब बाद हम सब रहेंगे सो देयर इज गॉड कम ऑन तो ये प्रभु ने कहा है सो नाउ गॉड इज
prepare a room for each one of us. तो मतलब परमेश्वर अपने हर एक बेटा बेटी के लिए जगह तैयार कर रहे हैं, हर एक के लिए. And even the generation to come. और अभी जो generation पैदा भी नहीं हुई है, grand 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 grandchildren to come. आपके पड़ पोतों के भी पोते पोता उनके लिए भी जगह पर वो भी तैयार कर रहा है. God is preparing now. तैयार कर रहा है. And when he is finished. और जब finish कर देगा. He is going to come. And when he comes, जब वो आ जाएगा, those who believe, जो लोग विश्वासी मिले उन्हें, they will be there in that room. जिन्होंने विश्वास किया है, वो उस कब्रों में भी जाएगा. But if you are not believe, लेकिन अगर आपने विश्वास नहीं किया, your room will be what will be. आपका कमरा तो कैसा होगा? Satan is busy preparing a room. शैतान आपके लिए भी नरक में कमरा तैयार कर रहा होगा. Hell, नरक. Satan is busy. वो भी नरक. I don't want these children to go to heaven. वो कह रहा मैं नहीं चाहता परमेश्वर के बच्चे स्वर्ग में चले जाएं. I don't want to burn alive in the hell. मुझे अकेले नहीं जाना, किसी के साथ ही. So now Satan another side. तो शैतान भी दूसरा काम कर रहा है. Preparing a hell. वो भी नरक तैयार कर रहा है. God another side. और दूसरी साइड परमेश्वर. Preparing a heaven. वो स्वर्ग तैयार कर रहे हैं. Room for us. एक कमरा तैयार कर रहे हैं हमारे लिए. In reality in my life. पास्टर के लिए मेरे जीवन में असली में मैं तो रोज प्रभु के पास जाने का मन है. This world is full of trouble, full of difficulties. दुनिया में परेशानियाँ हैं, दुख है, अकेलापन है. मैं पहले प्रभु का जनता नहीं था, मालूम नहीं था. उसका टाइम तो डर लगता था. हम मरेगा तो क्या करेगा? अब मरना आते ना हम डर लगता है. अभी तो प्रभु का विश्वास करते ना मेरा कुछ डर नहीं. अभी जाएंगे भी प्रभु के पास आएंगे. आप रात हो, सुबह हो, शाम हो, बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, कोई भी हो, मेरा चिंता नहीं. क्योंकि ये शरीर तो कुछ नहीं है, ये शरीर तो मीठी बन जाएंगे. लेकिन मेरा आत्मा प्रभु का चित्त में उनको देखने का बहुत मन है. So that is the thing. So this is how. तो इसी तरीके से by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से. So now God say, I'm going to prepare a place. तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं स्वर्ग में जाता हूँ और then the disciple was like, no. तो चिन्हों ने बोला नहीं नहीं. Then Jesus said, यीशु ने कहा सुन लो I will not give you orphan. वो क्या परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ छोड़ूंगा. I will send you the Holy Spirit. जब मैं जा रहा हूँ तो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगी. That is the verse 16. या 16 वचन में लिखा है. I will pray to the Father. मैं पिता से विनती करूंगा. I will ask the Father. और तुमसे एक सहायक देगा. Father. कि पिता send the Holy Spirit. अरे पवित्र आत्मा को मेरे बच्चों के पास भेज दो. So that Holy Spirit will come there. ताकि पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करेगी. See Jesus come and go. आप देखिए यीशु मसीह इंसान बने और चले भी गए ऊपर. But Jesus say. पर यीशु ने कहा. When the Holy Spirit come. जब पवित्र आत्मा आएगी. He will never go. वो जाएगी नहीं. He will stay with वो you. वो यही रहेगी आपके साथ हर समय. And he will take you to heaven. और वो आपको स्वर्ग लेकर जाएगी. I to come and go in. यीशु मसीह कह रहे मैं तो आया और चला भी गया. The person who is going to come. मेरे जाने के बाद जो आ रहा है. He is not going. वो वापस नहीं जाएगा. He will not leave you. वो आपको छोड़ेगा नहीं. He will not forsake you. वो त्यागेगा नहीं. He will not make you orphan. वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा. He will be with you. वो आपके साथ. He will give you wisdom. आपको बुद्धि देता जाएगा. He will lead you. आपको lead करता जाएगा. He will guide you. आपके अगुवाई करेगा. He will direct you. आपको बताएगा रास्ता. About heaven. कि स्वर्ग कैसे जाना है. He will direct you. वो आपको direct करेगा. He will give you the word of God. वो आपको प्रभु का वचन समझाएगा. The knowledge. जो बुद्धि देगा. So without the Holy Spirit. तो बिना पवित्र आत्मा के. You will never understand the scripture. आप कभी नहीं समझेंगे कि आगे बाइबल में वचन लिखा क्या है. Without the Holy Spirit. बिना पवित्र आत्मा. Today many people reading Bible. आज बाइबल तो बहुत लोग पढ़ सकते हैं. They are not understanding. पर समझ कुछ नहीं आता. Everyone read Bible. बाइबल तो इंग्लिश हिंदी में लिखी सब पढ़ सकते हैं. हिंदू हो मुस्लिम. चाहे हिंदू हो मुस्लिम सब पढ़ सकते हैं. I say many teacher. पास्टर कह रहे कि मैं देखा कि in the Delhi University. दिल्ली यूनिवर्सिटी में many professor. बहुत सारे professor लोग भी बाइबल पढ़ते हैं. Many scholar. बहुत पढ़े लिखे लोग. They study Bible. वो बाइबल को पढ़ते हैं पढ़ाने के. From the Bible only they discover. बाइबल से नई नई चीज सीखते हैं और सिखाते हैं. How the world created. दुनिया कैसे बनी थी. God say in the beginning God created. परमेश्वर ने शुरुआत में प्रभु ने सृष्टि की. All the scientists today. सारे वैज्ञानिक लोग आए. तो बहुत सारी चीजें हैं डिस्कवर करने के लिए. सो दैट इज हाउ
So now to know the God, तो परमेश्वर को जानने के लिए, to know heaven, स्वर्ग को जानने के लिए, to know Jesus, यीशु को जानने के लिए, we need the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की जरूरत। So when now the Holy Spirit will come, तो जब पवित्र आत्मा आती है, Holy Spirit will make you who Jesus is, वो आपको दिखाएगी कि आखिर यीशु है कौन। Holy Spirit will understand you the word of God, पवित्र आत्मा आपको वचन समझाएगी। And the Holy Spirit will lead you to your prayer. और आपको प्रार्थना करने में मदद करेगी। The Holy Spirit will lead your prayer to God. और आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक लेकर जाएगी। That is how the Holy Spirit works. पवित्र आत्मा काम यही है। So that is why Jesus said. तो यीशु ने इसलिए कहा, I will pray to the Father. He will give you the another Helper. कि यीशु मसीह ने कहा कि पिता से प्रार्थना करूँगा और वो And he will abide you forever. वो तुम्हें सहायक भेजेगा जो सर्वदा हो तब तक 14 वर्ष सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा 16 16 में so he will come you तो वो तुम्हारे पास आएगा God is gone Jesus is gone अब यीशु मसीह तो चले गए now Holy Spirit is here अब पवित्र आई है now he is our helper वो हमारी सहायक है Jesus said he will come upon you वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर आएगा he will help you मदद and he will stay forever और हमेशा रहेगा so the day that you believe Jesus तो जिस दिन आपने यीशु में विश्वास कर लिया पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए। Now you started knowing Jesus। और आप यीशु को जानने लगे। Now you started crying to Jesus। और आप यीशु को गुहार लगाने लग जाते हो। Now you come to know that you are a sinner। और आप जानने लगते हो हाँ मैंने पाप किया है। There is the Holy Spirit who पवित्र आत्मा ये जो आपको convict करती है कि आप पापी हो। Today many people they are not convicted that they sin। पाप तो सब लोग करते हैं लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि मैं पाप थोड़ी होता ये तो चलता है। मैं तो पाप नहीं हूँ। मैं तो अच्छे से काम करती हूँ। मैं तो झूठ नहीं बोलता। मैं तो गलत काम नहीं करता मैं तो दूसरा को स्टीलिंग नहीं करता मैं तो मर्डर नहीं करता मैं तो बहुत इंसान हूँ बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं ऐसे मिलते हैं नहीं मिलते आपका लाइन में ऐसे इंसान आपका लाइन में आया नहीं आया आए ना वो लोग बोलते हैं मैं तो काम नहीं करता मैं तो दम से अच्छा से काम करते हो मैं तो righteousness मैं तो बहुत धर्मी हूँ मैं तो बहुत धर्मी हूँ दूसरा लोग हेल्प करते हैं दूसरा लोग को मैं तो खाना पिला खाना क्या खिलाते हैं पैसा हेल्प करते हैं बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं और सोचते हैं कि हमारे अच्छे काम ही अच्छे हैं और आप बुरे नहीं हैं बाइबल से लेकिन बाइबल क्या कहती है पिछले शुक्रवार को पास्टर ने प्रचार किया बहुत से लोग परमेश्वर ने कहा इस धरती पे अच्छा तो कोई है ही नहीं एवरीवन हम में से हर कोई कॉन्शियस हमारे दिमाग ही गंदा है दियर थॉट हमारी सोच ही गंदी इमेजिनेशन हमारी कल्पनाएं गंदी है हमेशा बुरी है हमेशा ही बुरी है इन द फर्स्ट जोन से पहले यमुना में लिखा है इफ यू से दैट यू आर नॉट अ सिनर अगर कोई इंसान ये कहता है ना कि मैं पापी नहीं हूं यू बाइबल से यू आर अ लायर बाइबल कहते तुम तो उससे बड़े झूठे हो बिकॉज़ आपका दिल लाए झूठ होते हैं आपका दिमाग खराब होता है आपका दिमाग गंदा होता है आपका दिमाग सेट का मनाता है आपका दिमाग झूठ का मनाता है आपका दिमाग जलसी आता है आपका दिमाग दूसरों को चीटिंग करना आता है आपका दिमाग मैं आता है लेकिन इंसान बोलते हैं मैं तो राइट हूँ लेकिन अंदर गंदा है तो प्रभु अंदर वाला को देखते हैं इसके लिए प्रभु बोलते हैं आप झूठ बोलते हैं सो नाउ टू नो गॉड तो प्रभु को जानने के लिए होली स्पिरिट ओनली कन्विक्ट पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर ये एहसास करती है कि हाँ हमने पाप किया सो नाउ व्हेन यू होली स्पिरिट कम जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आती है बिलीव इन जीसस जब यीशु विश्वास करते हैं नाउ द होली स्पिरिट कम टू यू तो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ गई आप काम कर रहे हो आप छोटी भी गलती करते हो ना अगले सवाल के पाप कर दिया माफ कर लो माफी मांगने का होता है प्रभु को माफी मांगो आप गलत करते हैं तो हम लोग लाइफ में प्रभु ने पुलिस में काम करते हैं ये गलत मत करना ये झूठ मत बोलना और ये कुछ मत करना तो हम कुछ कुछ चीज फ्लैश मांगते हैं अंदर कोई बात करते हैं कोई बात करते नहीं करते आप लोग लाइफ में कोई बात करते नहीं करते हम झूठ बोलते हैं अंदर से आप झूठ बोलना अंदर बोलते ना ये होली स्पिरिट हम सेल्स मनी आज भी इतना गर्म में टेम्परेचर 40 हो गया हम जाएगा तो आग बुझ जाएगा लेकिन अंदर कौन है होली स्पिरिट बोलते हैं जाओ ऐसे बोलते हैं ना आज तो नहीं जाएंगे लेकिन अंदर है जाओ नहीं नहीं हम इसको लेते हैं लेकिन अंदर है ये होली स्पिरिट काम है जाओ और हम कोई चीज काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं आप गलत मत कर इससे करना है और कोई चीज बुराई होता है अब जाओ ये बुराई मत कर ये सारे होली स्पिरिट का काम है दैट्स व्हाई द बाइबल सेड इसलिए बाइबल बताती है सी जीसस सेड टू द वर्स 18 यीशु मसीह ने कहा 18वें वचन में द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ द वर्ल्ड कैन नॉट रिसीव इट यहां पर लिखा है वो सच्चाई का आत्मा जो संसार मुझे नहीं पा पाएगा
झूठ मत बोलो, संसार कर, आप गलती करते तो माफ कर, माफी मांगो, इस तरह की होली स्पिरिट का काम है। So now that you cannot see, but he is working powerfully. तो पवित्र आत्मा को हम देख नहीं सकते, क्योंकि काम हमारे अंदर चलता ही रहता है। Everyone read 17. हर कोई 17 वचन पढ़े, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। आमेन। 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 There is what the world cannot see. इसका मतलब दुनिया नहीं देख सकती। People didn't believe in Jesus Christ. लोग जो यीशु विश्वास नहीं करते। God is here. प्रभु तो है। God will help them. प्रभु की मदद तो करेगा। God provides food. प्रभु की जरूरतों को पूरा करेगा। God provides money. खाना पीना पैसा सब देगा, नौकरी भी देगा। Because God created. प्रभु ने उन्हें बनाया। सब लोग को प्रभु ने बनाया। प्रभु का responsible है सारे खिलाना पिलाना जॉब करना सारे बिल्डिंग देना सारे अमीर बनना। लेकिन प्रभु का अंदर प्रभु नहीं है। प्रभु रेस्पॉन्सिबल है, उन्हें बनाया, रेस्पॉन्सिबल तो लेंगे, लेकिन प्रभु उन्हों का पास नहीं है। लेकिन प्रभु का विश्वास लोग है, हम लोग का पास प्रभु है, हम लोग का पास पवित्र आत्मा है। That is how they work. तो ऐसे ही काम होता है। So now the Jesus is already told. तो यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है। The world will not know. कि दुनिया नहीं जानते जानी। But you will know. पर तुम जानोगे। The people believe in Jesus. जो लोग यीशु विश्वास करेंगे, they will know. वो ही जानेंगे पवित्र आत्मा कुछ। So now we know. तो इसलिए आज हम जानते हैं। When I believe in Jesus. पास के जो मैंने यीशु विश्वास किया। I know Holy Spirit. पास के जो मुझे पता लगे पवित्र आत्मा कुछ। He is always with us. क्योंकि हर समय बात करती है। Only the Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा। He asks me to pray. वो ही हमें प्रार्थना करती है। Only the Holy Spirit. पवित्र आत्मा। He asks me to fasting. वो हमें कहती है फास्ट करो। Only the Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा। He asks me to worship. जो हमें कहती है आराधना। Only the Holy Spirit. पवित्र आत्मा। He asks me to read Bible. जो बाइबल पढ़ने के लिए बार बार। Only the Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा। He heals the people. जो लोग चंगाइयां करती है। Deliver the people. छुटकारे देती है। This is the work of the Holy. ये पवित्र आत्मा का काम है। That is why Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा। When Jesus was on this earth. जब यीशु मसीह धरती पर थे। He was conceived by the power of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो उत्पन्न हुए थे। After that also. और उसके बाद भी। When Jesus was doing the ministry. यीशु मसीह सेविकाएं कर रहे थे। By the power of the Holy Spirit. यीशु मसीह के सामर्थ्य से। When Jesus was baptized. जब यीशु मसीह को बपतिस्मा हुआ। The Bible said. बाइबल के मुताबिक। Holy Spirit came. पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। From there. और उसके बाद। He became so anointed. उसपे इतना अभिषेक आ गया। So by that power. मतलब उस सामर्थ्य से। बपतिस्मा। बपतिस्मे के बाद से। यीशु मसीह वापस नहीं गए। Holy Spirit lived there. पवित्र आत्मा उनके place to place. अलग अलग जगह। Preaching the gospel. प्रचार करते। Heal the people. चंगाइयां देते। Deliver the people. छुटकारे देते। Raise the dead. मरे हुओं को जिंदा करती। Open the blind. आंखों को आंखें देती रही। Open the dumb. जो गूंगे थे वो बोलने लगे। All these things. ये सारा का सारा। Jesus was moved by the power. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कर रहे। By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की वजह से कर रहे। That is the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा। To that many people healed. आज बहुत से लोग चंगाई तो हो जाते। Deliver. छुटकारे पाते। Cast out the demons. बुरी आत्माएं निकल जाती हैं। In the name of Jesus. सिर्फ यीशु के नाम में। Then Holy Spirit work. जब पवित्र आत्मा काम होता है। So Holy Spirit is the one. तो पवित्र आत्मा ही है। Carry the power. जो सामर्थ्य लेकर। Who carry the anointing. जो अभिषेक लेकर। When David was anointed. जब दाऊद का अभिषेक हुआ। The Bible says the Holy Spirit come upon him. बाइबल ऐसा बताती है कि तब अभिषेक के बाद पवित्र आत्मा दाऊद पर बल से उतरा। But लेकिन never never misunderstand. कभी भी इसे गलत ना समझो। Today many people, बहुत सारे लोग, and when you go to some church, जब किसी कलीसियाओं में जाते हैं, people say blah 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 blah, only everyone was speaking in tongues. कई लोग हैं जो अन्य भाषाओं में बात करते हैं। But that is not. If one point of time, एक बार की बात है, we were ministry in Tamil Nadu. पास्टर कहने में Tamil Nadu गई थी। Then when you come to the one church, वहाँ पर एक कलीसिया पहुँचे, they could be and then everyone was speaking in tongues. हाँ तो बस ताली बजा बजा के ना पवित्र मतलब बोल रहा था जोर-जोर की बात। Hour by hour, घंटों घंटों बोल रहे हैं। Yeah, I didn't do. तब पास्टर नहीं बोल पा रहे हैं। I didn't speak tongues. कि पास्टर की भाषा में बात करना नहीं आता था। Then the pastor called us. तो पास्टर ने बुलाया। That church. जिन लोगों जो अलग अलग भाषा में नहीं बोल पा रहे जरा आगे आ जाओ। I also come. पास्टर भी आते हैं। Then they say you are not having Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा तुम पर अब तक नहीं आया तभी तुम नहीं बोल पा रही बेटी। Then I say this pastor is police. पास्टर कहते हैं बेवकूफ आदमी। Then inside. तो पास्टर अंदर से बोला। You are not speaking in tongue. वो सोचते थे कि जो अन्य भाषा में नहीं बोल रहा। That means you didn't have Holy Spirit. मतलब पवित्र आत्मा अभी तक आया नहीं है। So you didn't speaking in tongue. तो अन्य भाषा में नहीं बोल रहे। That means you didn't have Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा जब आता तो बोलते। So today many people think of like that. तो आज बहुत सारे पेंटिकोस्ट करके you are not speaking in tongue.
पवित्र आत्मा पाया है यू स्पीकिंग इन टंग अलग-अलग भाषा में बोल लेते हो मेनी पीपल समटाइम दे थ्रो यू विद दोस काइंड ऑफ ग्रुप मेट्रो के अंदर भी ऐसे लोग मिलते हैं जो पूछते हैं आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है आप यू हैव जीसस आप हैव होली स्पिरिट अगर आपके अंदर यीशु है पवित्र आत्मा है तो अन्य भाषा में बोल लेते हो वेरी ऑफन सर अगर आप पेंटेकोस्टी का लिस्ट में जाओगे एवरीवन वाज स्पीकिंग इन टंग हर कोई अन्य भाषा में बोलता है इफ द पर्सन इज नॉट स्पीकिंग अगर कोई व्यक्ति नहीं बोलता दे थिंक दैट दैट पर्सन इज नॉट अरे इसमें पवित्र आत्मा नहीं आया सो नाउ दे आर प्रेइंग 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 टू मी तो लोग पास्टर के ऊपर खड़े होकर घंटों तक प्रार्थना करते रहे नहीं हो पाया तब बाद में तो मैंने ब्लास्ट में मैंने जवाब दिया The day I believed Jesus. पास्टर ने आखिरी में जवाब दिया कि जिस दिन मैंने यीशु में विश्वास किया, आई हैव द होली स्पिरिट। उस दिन पवित्र आत्मा उस पर आ गया। देयर इज अ गिफ्ट। और हर किसी का वरदान है। सम आर स्पीकिंग इन टंग। तो ये अलग भाषा बात करते हैं। बाइबल में नफीशी, बाइबल में लिखा है सम आर पास्टर, कई पास्टर बनते हैं। सम आर एवेंजलिस्ट, कई एवेंजलिस्ट बनते हैं। सम आर अ प्रोफेट, कई प्रोफेट बनते हैं। सम आर मिशनरी, कोई भविष्यवक्ता बनता है, कोई मिशनरी बनता है। सम आर टीचर बनता है, कोई काउंसलर बनता है। ऑल द डिफरेंट डिफरेंट काइंड। हर किसी को अलग तरह के वरदान मिलते हैं। वी आर वन बॉडी। पर हम सब एक शरीर हैं। टू ग्लोरीफाई। और प्रभु की महिमा के लिए। बाइबल में एवरीवन वाज स्पीकिंग इन टंग। बाइबल में लिखा है कि हर विश्वासी अन्य भाषा में बात करेगा ही करेगा। वो सब भी वो गिफ्ट कई लोगों का अलग वरदान भी है। दैट वाज स्पीकिंग इन टंग। कई लोग अन्य भाषा में बोलते हैं। लेटर ऑन। लेकिन बाद में आई रिसीव्ड द गिफ्ट ऑफ द स्पीकिंग। पास्टर कहे लेकिन मुझे थोड़े समय के बाद कुछ सालों में पवित्र 2000 के सामर्थ्य से अन्य भाषा का वरदान मिल गया। हम लोग का दिमाग में अलर्ट होता है इससे काम करता हूँ मैं
लेकिन पवित्र आत्मा के बोलने के बावजूद गलती कर
करे Amen. So we should be careful. हमें ध्यान रखना When you are committing sin, जब पाप करते हैं, the Holy Spirit नहीं निकलता, तो पवित्र आत्मा निकलता तो नहीं है, लेकिन दुखी होता है, they are grieved, तो दुखी होता है, and then you cannot walk, वो काम नहीं कर पाते, but when you are growing in the Lord, लेकिन अगर प्रभु में बढ़ रहे हैं, the Holy Spirit works powerfully, पवित्र आत्मा आपके ऊपर ज़्यादा काम करती है, so today many people heal, deliver, आज बहुत सारे लोग हैं बुरी आत्माओं को निकालते हैं, चंगाइयाँ देते हैं, छुटकारे देते हैं, or you see in me, अगर आप पास्टर को भी देखते हैं, it is not all of them, तो पास्टर नहीं करती है But लेकिन this is the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा उनके द्वारा है and in the name of Jesus और यीशु के नाम में जब प्रार्थना करते हैं then Holy Spirit पवित्र आत्मा काम करते हैं and He is the one और वही है giving the power जब वो सामर्थ्य दी cast out the demon क्या बुरी आत्मा को निकाल दे से चंगाइयां दे raise the dead छुटकारा देना कर वो इधर से कर so this is the Holy Spirit तो ये पवित्र आत्मा का काम है amen amen So no, we should never against the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए. And never grieve the Holy Spirit. और हमें दुखी भी नहीं करना चाहिए. Because your sin will never forgive. क्योंकि आपका वो पाप कभी माफ नहीं होगा. And Holy Spirit work in the life of the believer. तो पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में काम करती है. And Holy Spirit पवित्र आत्मा the person filled with the Holy Spirit. जब कोई इंसान पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिया जाता है. It is not the speaking in tongues. ये नहीं कि अन्य भाषा में बात बोलता है तो ही पवित्र आत्मा है. But the Bible says you will be filled by the Holy Spirit. बाइबल कहती है तो पवित्र आत्मा से भर जाओगे. And you will go and preach the gospel. और तुम दुनिया में जाओगे और सुसमाचार बांटोगे. Let us read Book of Acts. I'm going to finish the Book of Acts chapter 7. खोलते फिर तो काम सातवां अध्याय. Verse 17, 56 to 57. We talk about the what is that? The Holy Spirit come upon them. Then they were filled by the Holy Spirit. And then Stephen was filled by the Holy Spirit. Jonah was filled by the Holy Spirit. And then also Jesus was filled by the Holy Spirit. आप देखिए स्टीफन भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था. यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा भरा. दाऊद पर भी पवित्र आत्मा बल से आया था. हम खोलते हैं प्रेरितों के काम सातवां अध्याय 55 to 56. 55 और 56 पढ़ेंगे. इसमें लिखा हुआ है 175 पेज ना पढ़ने का नियम. यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा और यीशु मसीह परमेश्वर को दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा. आमेन. So by the Holy Spirit. तो यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा से Holy Spirit. यहाँ लिखा है 55 में स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था. And the Holy Spirit was convicted heaven. और पवित्र आत्मा ने उसको स्वर्ग उठाया. And Jesus was filled by the Holy Spirit. और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गए थे. In the we will not read Luke chapter 1:67. का 1:67 के अंदर Jesus was filled with the Holy Spirit. यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गए थे. Luke chapter 4:1. का चार का एक disciple were filled by the Holy Spirit. चेले भी यीशु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भर गए थे. After Jesus was there. जब यीशु मसीह and they go and preach the gospel. और वो गए और सुसमाचार बांटने लगे. They healed the people. उन्होंने deliver the people. चंगाइयां दी लोगों को छुटकारे दिए. All this are the work of the Holy Spirit. ये सब शायद. So when you come upon the Holy Spirit. ये सब पवित्र आत्मा काम है. जब पवित्र आत्मा के ऊपर आती है. You will share the gospel. आप सुसमाचार बांटने लगे. People believe. लोग विश्वास करते हैं. आप बुरी आत्मा को निकालोगे. आप चंगाइयां दोगे. You become faith in the Lord. आप प्रभु में विश्वास करोगे. You become powerful in the Lord. प्रभु में सामर्थ्य रख पाओगे. All these are the Holy Spirit. ये सब पवित्र आत्मा का ही काम है. Amen. And then also the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा He only lives in the people who believe in Jesus Christ. ये उनमें ही रहती है जो यीशु में विश्वास करते हैं. Without the Holy Spirit. बिना पवित्र आत्मा के you will never have Holy Spirit. No? Without the believing of Jesus Christ. जब तक आप यीशु में विश्वास नहीं करते पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होती है. So when the Holy Spirit is जब पवित्र आत्मा आ जाती है He will tell you everything. वो आपको हर चीज परमेश्वर के बारे में सिखाएगा. And His work will work powerfully. और वो सामर्थ्य से आपके साथ काम करेगी. Amen. And then also when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आती है, He will convict you. वो आपको बताती है, that you are the child of God. कि आप परमेश्वर की संतान हैं. You are the children of God. आप परमेश्वर के बच्चे हो. When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगी, He will tell you to be baptized. तो आपको कहेगी बपतिस्मा ले लो. That is the Holy Spirit. कि पवित्र आत्मा काम है. Then when you do that, और जब ये करते हो, you become the sons and daughters. आप परमेश्वर के बेटा. When the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा पर आती, inside you, आपके अंदर, you will say Abba Father. आप परमेश्वर का अब्बा या मतलब पिता बोल पाते हैं. And you will become that, you will accept that I am the child of God. और आप ये अंदर से मान लेते हो हाँ मैं परमेश्वर की संतान हूँ. That is the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा ही आपको. Without the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा, you will never say that I am the child. आप कभी नहीं कह पाओगे मैं परमेश्वर की संतान. You will say that मैं उनका पिता का बेटा हूँ.
मैं पवित्र आत्मा का बच्चा नहीं हूँ, आप हिंदुओं को पूछ लो, मुस्लिमों को पूछ लो, आप कौन का बेटा है, बताएंगे कि मेरा पिता का नाम ही है, मेरा मामा का नाम ही है, लेकिन हमको पूछते क्या, मैं प्रभु का बच्चा हूँ। तो हम इसे कहा से This is the Holy Spirit. तो ये पवित्र आत्मा का ही काम। So that is why. तो इसलिए Holy Spirit is very very important in our life. तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। And to be filled by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरने के लिए We need to be very intimacy with God. हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना होगा। So intimacy with the Holy. जब प्रभु के साथ संबंध बनाएंगे। So now when you believe in Jesus. जब यीशु विश्वास कर लेते हैं। Whenever you come in. जब भी आप पाप करते हैं। Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा दुखी होती है, रोती है। Jesus said he will come. यीशु मसीह कहते हैं पवित्र आत्मा तो आएगी। वो जाएगी ही नहीं। तो हम गलत हो गए। तो मूड को होते हैं। हम लोग का अंदर। हम जुद बोलते हैं, रोते हैं। हम गलत काम करते रोते हैं। हम गलत चीज खाते रोते हैं। आप दैट्स द बाइबल से बी ड्रंक बाय द होली स्पिरिट। इसे बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा से एक तरह से भर जाओ। पर हम वाइन इतना ड्रंक खाते हैं देन होली स्पिरिट के रूप में। हम इतना गलत गलत चीज खाते हैं, हम लोग का शरीर को गंदा करते हैं, तो होली स्पिरिट अंदर से रोते हैं। That is how the Bible says he gripping. तो बाइबल कहती है ऐसे पवित्र आत्मा तुझे Then काम नहीं हो पाता। तू धीरे धीरे ना हम लोग का लाइफ है ऐसे बनता है, कैरेक्टर बनता है। तो आपको चेंज करना में मुश्किल होता है, क्योंकि होली स्पिरिट को हम न दबा जाते हैं। यू जस्ट बाइंड दिस होली स्पिरिट। आपके पवित्र आत्मा को बांध के अलग कर दिया, क्योंकि आप उसकी बात ही नहीं मान रहे। So now he cannot walk. तो आप वो काम भी नहीं कर पाएंगे। But when you obey, लेकिन जब उसकी बात मानते रहोगे, वो बहुत काम पे काम करती रहेगी। When you pray, जब प्रार्थना करोगे, God will answer. प्रभु की प्रार्थना जवाब देता जाएगा। When you say, Satan get out. जब बोलोगे शैतान निकल जा, शैतान वो निकल जाएगा। When you grow in the Lord, जब प्रभु में बढ़ोगे, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के आने के बाद ऑल द
disciple where? सारे चेले. Even the Thomas come to India. थोमा भी भारत में आया. And there is so today we have the call. इसलिए आज हमारे तक सुसमाचार पहुंचा है. That is how the Holy Spirit is. पवित्र आत्मा का काम ऐसा ही है. Now Holy Spirit in our life. तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में. That is why in the verse, what is that? Verse 9 say. इसलिए नौवें वचन में लिखा है. And verse 8, he will convict you the world of sin. And righteousness and judgment. आठ में लिखा है वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा. And then also the sins of the do not believe in me. और जो पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते. So only the Holy Spirit only. तो सिर्फ पवित्र आत्मा ही convicts you. वो आपको बताती है. It is a hell. कि नरक है. It is a hell. स्वर्ग है. People who didn't believe Jesus. जो लोग यीशु विश्वास नहीं करते. If you talk about hell. अगर आपने बोला नरक होता है. ऐसा ना क्या नरक है. हम नहीं दिखता हम तो नहीं जाएंगे. इसके लिए हिंदी में क्या होता है. हम मरेंगे तो चूहा बन जाएंगे. हम मरेंगे तो कुत्ता बन जाएंगे. हम मरेंगे तो क्या गाय हो और गाय बन जाएंगे. जन्म होगा अलग अलग जानवर पटने जाएंगे. और दूसरा तो ऐसा होता है इस जन्म में आपको नहीं मिला नेक्स्ट जन्म में मिलेंगे. कोई नहीं मिलेंगे. ये एंड है. आप मरेंगे. आप विश्वास करें प्रभु के पास आएंगे. आप नहीं विश्वास कर सैतान के पास आएंगे. हेल नहीं रिवॉर्ड है. Bible says we all are once for all. Bible कहती है हमारा एक ही जन्म है. हमारा पुनर्जन्म नहीं होने वाला. But people are not believing. जो लोग यीशु विश्वास नहीं करते जी वो क्या सिखाते हैं. Next जन्म हम मिलेंगे. Next जन्म हम शादी करेंगे. हाँ शादी करेंगे. हम नहीं वापस नहीं आएंगे. आप पीयर कर दिया दूसरों को तो नहीं मिला तो क्या बोलते हैं. Next जन्म में हम शादी करेंगे. क्या बोलते हैं हिंदी में. बाइबल बताता है आपको नई जन्म मिलेगी. आपका नई जन्म कहा है. हेल नरक. नरक में ना कर नरक में नई जन्म होंगे. आप इससे आएंगे. आप इससे बंद हो जाएंगे. So there is the people who don't know God. ये वो लोगों के लिए है जो प्रभु को नहीं जानते. There is the teaching. वो यही सिखाते हैं. Because they didn't have the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा ही नहीं है तो स्वर्ग और नरक कौन समझाएगा. But when the Holy Spirit is. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाती है. It will convict you. आपको समझ आ जाता है. Yes. There is a Jesus. कि भाई यीशु है. Yes, there is a heaven. स्वर्ग भी है. Yes, I will go to heaven. और मुझे स्वर्ग जाना है. Yes, I am the child of God. प्रभु की संतान. Yes, I need to be baptized. मुझे बपतिस्मा भी लेना है. Yes, I don't want to any other God. मुझे किसी देवी देवता की आराधना नहीं करनी. There is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा. There is way to have the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा होने के लिए. Only the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ही. He walk in our life. वो हमारे जीवन में काम करती है. And only the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हील द पीपल. लोगों को चंगा कर देती है. पीपल को कारा देती है. बट हाउ द होली स्पिरिट वर्क. लेकिन पवित्र आत्मा काम होता कैसे. थ्रू द नेम ऑफ जीसस. यीशु के नाम से वो पवित्र आत्मा काम करती है. व्हेन यू कॉल द नेम ऑफ जीसस. जब यीशु के नाम को पुकारोगे. नाउ द पावर ऑफ होली स्पिरिट. तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर आया. दैट इज व्हाई व्हेन जीसस व्हेन गॉड द पावर. इसलिए जब परमेश्वर पिता लेट देयर बी ऑल. उन्होंने बोला कि उजियारा हो जाए स्वर्ग. देन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट कम. तो परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य आया. देन द पावर कम. Let there be light. उधर ज्योति हो जाए. Then the power of the Holy Spirit. तो कुछ ज्यादा हुआ. Then the light come. That is how it is. So many people talk about the Holy Spirit work. बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के कामों की बात करते हैं. People say that they talk about light. लोग बात करते हैं उजाले की ज्योति. Now that power. सामर्थ्य जो है. Is God. परमेश्वर. But without the power generation. लेकिन जब तक जनरेटर ना चले. The light will not come. Light नहीं आती. So when the power is generated, तो जब तक पावर ना आए, now the Holy Spirit is the light. तो ऐसे पवित्र आत्मा लाइट है, रोशनी है, and He will bring to the people light. वो लोगों के जीवन में सामर्थ्य लाता है, convicts them. और उन्हें बताती है कि पाप क्या है, और ऐसी है, कि तुम पाप किया है, convicts them. उन्हें बताती है, you are the child of God. कि तुम परमेश्वर की संतान हो. उन्हें बताती है, Jesus alone. कि यीशु मसीह अकेला परमेश्वर है. There is no other. कोई और परमेश्वर नहीं. And when the Holy Spirit is there, और जब पवित्र आत्मा होती है, you will move in power. वो सामर्थ्य चलती है. You will move in anointing. अभिषेक के साथ. You will do extraordinary. वो ज्यादा काम कर पाती है. Because क्योंकि पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है. And that's why when Jesus was anointed. और इसलिए जब यीशु का अभिषेक हुआ, he cast out the demon. उन्हें बुरी आत्मा को निकाला, चंगाइयां दी, छुटकारे दिए. So that is the person of Holy Spirit. तो ये है पवित्र आत्मा का व्यक्ति. So in Holy Spirit Jesus God. तो परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा. Nobody is not powerless. किसी में भी ऐसा नहीं सामर्थ्य कम है. They all are equal. तीनों बराबर है. But they work different. पर काम तीनों के अलग. So we believe in the Trinity God. तो हम एक त्रिय परमेश्वर में विश्वास करते हैं. और इसे कौन इस पर आप पवित्र आत्मा और सो आई ने बात से व्हेन यू रिसेक द होली स्पिरिट. बाइबल कहते हैं जब तुम पवित्र आत्मा की निंदा करते हो यू सिन विद द तुम्हारे पाप कभी क्षमा नहीं होंगे. आमेन.